तो श्रवण आपने मावे दशरथ ने हम देखो सीने रे मां बाण लागोड़ो है एर मामे ने जो विलाप करता देखिया दशरथ ने और श्रवण मामे ने के बोले मामा आप यू करो कहीं के श्रवण बैठे हिम्मती करो धीरज धरो और इस कमंडल को जल से भरो। प्यासे हैं माता पिता मामा चिंता फिकर उनकी करो। पहले पिलावो नीर उनको फिर बाद में कहो श्रवण भरो। अंत का ये अंत मामा इतना धर्म मुझ पे दो। इति बात के करके और श्रवण जगवटे मुख मोड़ लेवे। अरे मुहरे फेर लियो लाल नहीं बोले आ मुहरे फेर लियो लाल नहीं बोले बात हृदय में तोले। बात सरल बात हृदय में तोले ओ श्रवण स्वरक सीधाये सर्वण सुत दल हमारे सर्वण सुत दल हमारे रे क्या देखो वीर दिलारे सर्वण सुत दल हमारे रे क्या देखो वीर दिलारे भक्तों भगवान की। श्रवण आपने मामे ने के बोले मामा हिम्मत करो आप है जो हिम्मत राखो अणेशो मत लाओ हिम्मत करो क्योंकि ओण आर ने कोई टाल सके महाराज जगी टेमरे मा भगवान राम जी ने वनवास हुयो तो भी टेमरे मा गुरु वशिष्ठ जी महाराज राजरो है जो को मौत निकाली हो और भरत जी महाराज भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के पूछे बोले महाराज थे तो है जो को त्रिकाल यज्ञ महात्मा और थाऊ कहीं छानी बात पण महाराज थे है जो को ओ एड़ो मौत किया निकाली वशिष्ठ जी महाराज के भरत सुन ओ भरत भावी प्रबल और अभिलख कहे मुनि नाथ
लाभ जीवन मरण यश अपयसी जी महाराज के बोले भरत सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलक कहु मुनिनाथ अरे आन लाभ जीवन मरण और यश अपयश है ए विधिर हाथ ए विधातार हाथ है क्योंकि एक कवि कल्पना है ए करमी गति ओ ताली रे ना ये तड़े भावी गत देखा ताड़ी रे ना ये धड़े
श्री भक्त और भगवान की। गुरु वशिष्ठ के महामुनि ज्ञानी अरे वे लिख लिख लगन धरे, अरे सिया जी हो अरण के मरण दशरथ हो तो मन मन राम धीरे, और अक्रमारी रेखा के टालुनी ना टले, क्योंकि कर्म गति सुख जी कोई नहीं टाल सके। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती और नीच घर नीर भरे, लख घोड़ा लख पालकी के ऊपर चमर जोड़े, पण क्योंकि सत्रह माथे बाने जगे कलवा बिस्त भंगी दे घरे जको नीर भरनो पड़ियो, पण कर्मारी रेखा ने कौन टाल सके। तो अठे श्रवण के बोले मामा ई कर्म गति ने कोई नहीं टाल सके, ते चिंता मत करो, और पहले पिलाओ नीर उनको। मारा माता प्यासा, माता पिता या जगह प्यासा है, नहीं जन थोने जो ई एक जीव री हत्या लागी, नहीं जन तीन जीवों री हत्या लागी, पहले पिलाओ नीर उनको, और फिर बाद में कहो श्रवण मरियो, पच गया के मारा श्रवण है जो काम आयो है। ये अंत का है अंत मामा, और इतना धर्म है जो मुझ पे धरो, ई तो मारो आखरी रोज को वचन है जो आप राख दियो। इती बात केव थी, और श्रवण है जो मुख फेर लियो है। मुहे फेर लियो के लाल नहीं बोले, और दशरथ बात कर दे में तोले। अरे वो श्रवण स्वर्ग सिदाई के श्रवण सुत लाल हमारे प्यासे को नीर पिला रे। तो दशरथ कई तार तो बड़े खड़ो खड़ो रोवे, और फिर बाद में विचार करियो रे मन पानी नहीं पा तो भी बड़ मर दी, तो प्यासा मरदा तो आ तीन जीवों ने हत्या लागी। दशरथ ले जा रही, और बटो पलकों ने मां नीर पड़े आंखों ने मां टप टप, और महाराज जड़े सरुंडा माता पिता हा अरबी वृक्ष कावड़े जगी टंगी, श्रवण है जो पिता है जो दशरथ है जो बटे आवे। भर कमंडल नीर का, और भर पलकों में नीर, लाख जतन अब मैं करूं तो बंधे ना दिल में भी, श्रवण के माता पिता और बोलियो हाथ में नी, कहो लाल तुम कैसे घबराए, तो थर 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 कांपे शरीर, अरे तू श्रवण माने दिखे नाई, ओ तू श्रवण माने दिखे नाई, सर
भोमिया जी महाराज की लेख मंडल वीर का और वो भर पलकों में नील और के लाख जतन अब मैं करूं तो बंधे ना दिल में धीर गणे लाख जतन करे पर महाराज धीर क्यों बंधे तो दशरथ जावे और बाजट है जके वृक्ष रे ऊपर है जके कावट टंगी और दशरथ जा करके धीरे धीरे जो पग में लिया है और दशरथ बोले नहीं है और महाराज बाजारी आत्मे दी है श्रवण के माता पिता और के लियो आत्मे नीर और कहो लाल तुम कैसे घबराए के थर 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 कांपे शरीर। हाँ थारो शरीर है देखो कांपे क्यों है भाई काई बात है बेटा तो दशरथ बोले नहीं है तो दशरथ तेरा माता पिता के तू श्रवण है नहीं भाई तू श्रवण माने दिखे नहीं और तू कह सच कहे कौन बता रही श्रवण सुतलाल हमारी प्यासी को नींद पिला रही तू है कौन जो बता भाई फुर्ती कर आखी तो थे जना बोले इस बार पड़े तो दशरथ बड़ो भारी उदासी मन हो और रो तो और मारा श्रवण माता पिता ने केवन में लागो श्रवण नहीं मैं काल हूं और तेरे लाल को खा गया सिंह के धोखे से श्रवण आत से मारा गया श्रवण रा माता पिता क्यों नहीं लागा मार के मेरे लाल को और राजा आछो स्वागत ते करो कौन से जन्म को कौन से जन्म को अरे दशरथ तैं इस जग में लियो अरे धरती रे पर वो पावरे पसारे पर वो पावे पसारे ओ यान जगड़ में कौन समझावे ओ यान जगड़ में कौन
भक्त और भगवान की, भक्त वस्तल भगवान की। दशरथ के श्रवण नहीं और मैं काल, मैं श्रवण नहीं हूं और मैं श्रवण रो है जो काल। अरे श्रवण नहीं मैं काल और के तेरे लाल को खा गया। अरे सिंह के धोखे से श्रवण के हाथ से मारा गया। सिंह रे धोखे हूं और को श्रवण मारा हाथ से है जो मारोगी है तो दोनों भी हा इतना ही करण लग गया। और दशरथ ने भी एक रिक्यू थे बढ़िया काम करियो क्यों के मैं थारा बेन और बेनो ही हूं यार तीर्थ यात्रा कर आया जानते हैं ओ मारो अच्छू स्वागत करियो थारी नगरी के माओ मार के मेरे लाल को के राजा आछो स्वागत तें करियो। अरे कौन से जन्म को बदलो यार दशरथ तें के इस जग में लियो। दोनों वे जो मां ओडियार मां कूदे और तराज खा करके पृथ्वी माता आवे धरती पर वो के पांव पसारे और यानी जंगल में कौन समझावे। अरे वो लाल ही लाल पुकारे अरे श्रवण सुत लाल हमारी के प्यासे को नींद पिला रे। तो भी दशरथ ने कहे बोले मेतन आठे जुगो श्राप की तो बारी देवा बाकी तन आठी वशम करा पर तू यो कर जट मारो पुत्र है भी चाहियो वहां ले जाकर के छोड़ दे। तो दशरथ दोना ने सांत्वन ने और ज्ञानवंती ने जट श्रवण पढ़ियो है बड़ लाकर के रखिया है और वे दोनों पुत्र ने खोले में लेकर के और दशरथ ने कहे मेतन की तो भारी श्राप नहीं देवा क्योंकि तें एक को मारो उपकार भी करियो है ते माने मारे पुत्र रे कन लार छोड़िया है पण मैं श्राप तन जरूर दा ई मारी आत्मा है जकी ठंडी नहीं हुए। तो भी श्रवण रा माता पिता दशरथ ने जको कई श्राप देवे और दशरथ बड़ थर थर कांपे भाई कांचा कोई कहे तो भी कहे मेरा जो दीपक बुझ गया और राजा तेरा ही बुझ जाएगा। चार चार बेटा होवेगा मगर काम एक नहीं आएगा। जब पुत्र की ममता का राजा और पता तुम्हें लग जाएगा आये बेटा आये राम यूं कहता ही मर जाएगा। अरे सोहन लाल लोहा कर गावे हाँ। तो प्यारे सजनों ये जो रिकॉर्डिंग गोप सिंह जी भोनिया जी महाराज री धाम किस्तासर पुजारी सुख सिंह जी सेवड़ा सदर आठे की गई है। रिकॉर्डिंग करता मारे ताराचरण जी सोनी साला बाबू जखने कोने कोने रे मो जाने महाराज तार जी को नहीं जाने गुरु कृपा साउंड फेमस मूर्ति है और मां सरस्वती आ तनो ट्रायरी पूरी कृपा है और माथे और गायक तोलाराम सोनी सिनियाड़ा निवासी और ढोलक में साथ दे रहे भाई देवू राणा सारुंडा निवासी
और ऑटो पेट पर ओम दी जोशी अड़ाई निवासी। क्या बात है ओम जी सरकार। और ऑर्गन प्लेयर जाना माना कलाकार है आनंद राजस्थानी और श्री बालाजी आल नौखा मंडी और जींद में साथ दे रहे हैं हमारे तोड़ाराम जी सोनी बेड़ासर निवासी और सब सहयोगी आप सब श्रोतागण गुणीजन और अशोक जी सेवड़ा सिरदार कृष्णासर निवासी। जय हो सोहन लाल लुहागर गावे ए जगी ईंड वाली ओरिजिनल चीजों पुराने ग्रंथ सहित और अपने गुरु कृपा सौंड में जो मारे हाड़ा बाबू तार जी के निज मिले हमारा यूट्यूब चैनल रे माधव। अरे प्यासे के पंछी उड़ी जावे ओ प्यासे के पंछी उड़ जावे ओ दोनों सरग सीधाए सरवण सुत लाल हमारे सरवण सुत लाल हमारे प्यासे को पीर पिलारे सरवण सुत लाल हमारे प्यासे को पीर पिलारे। सियापति रामचंद्र भगवान की गोप सिंह जी भोमिया जी महाराज की सरुंडरा माता पिता के हे राजन मारो तो की ओ इतो ही चांदनो अरते है जो ई चांदने ने मेट दियो तो मेतन है जो श्राप जरूर दा मेरा जो दीपक बुझ गया अर क्यों राजा तेरा ही बुझ जाएगा मां तो चौधरी तन हुआ कौन थे बुझा दियो बाकी जा थारमाई एक दिन आई जोई। मेरा जो दीपक बुझ गया और राजा तेरा ही बुझ जाएगा अरे चार चार बेटा होएगा के मगर काम एक नहीं आएगा। दशरथ ने ओ श्राप मिलियो इर वास दशरथ जी महाराज जी मां दे शांत हुई तो भी टेमरे मां ऐसा और जगी टेमरे मा अंत समय आई बी टेम दशरथ जी महाराज कौशल्या ने कही बोले हे कौशल्या मन भी वृद्ध है जगा विप्र और विप्राणी दिस है पचबा पूरी बात जी की कौशल्या ने बताई दशरथ जी महाराज और दशरथ जी महाराज राम 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 छह बार राम कहते हुए और दशरथ जी महाराज आप प्राण तजा आई है दशरथ जी महाराज मेरा जो दीपक बुझ गया के राजा तेरा ही बुझ जाएगा अरे चार चार बेटा होएगा के मगर काम एक नहीं आएगा। जब के पुत्र की ममता का राजा जन तन ठा पड़ी कोई पुत्री ममता कोई वह जब हाँ जब पुत्र की ममता का राजा पता तुम्हें लग जाएगा अरे हाय बेटा और हाय राम और के यूं कहता ही मर जाएगा। सोहन लाल लोहागर गावे और के बट प्यासे के पंछी उड़ जावे
वे दोनों प्यासा हरबटी मां दोनों सरुंडा माता पिता ए जगह सुख जी प्राण तक दिया प्यासे के पंछी उड़ जावे अरे वो दोनों स्वर्ग सिधाए और श्रवण सुत लाल हमारे के प्यासे को नीर पिला रे बोले भक्तवत्सल भगवान की गोप सिंह जी भोमिया जी महाराज की कर्णल दी मात की शंकर भगवान की।